नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम एक प्रोग्राम बना के ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कहें डाउनलोड करेंगे हम सीमेंस TIA पोर्टल की PLC पे S7 1200। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट। इस पे एड्रेसिंग करने के लिए जो सिंटैक्स है वो है फाइल नेम बाइट नंबर डॉट बिट नंबर। इनपुट का जो फाइल नेम है वो है आई, बिट नंबर लेट सपोज 0, डॉट बाइट नंबर 0 और एंटर। अगर हमें इसका सिंबॉलिक नेम चेंज करना है, जैसे टैग 1 आ रहा है, इसको अगर चेंज करना है तो हम पीएलसी टैग्स पे जाके चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसे आउटपुट के लिए जो फाइल नेम रहेगा वो रहेगा क्यू, लेट सपोज बाइट नंबर 0 डॉट बिट नंबर 0। ये लिखने के बाद एक बार हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे फॉर एरर्स। देन अभी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। देन उसके बाद हम डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे, डाउनलोड टू डिवाइस। जैसे ये डाउनलोडिंग प्रोसेस होगा तो ये हमसे एक मैसेज शो करेगा कि किस कॉन्फ़िगरेशन पे आपको इसको डाउनलोड करना है। जैसे कि हमारे पास जो है वो प्रोफिनेट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप PGPC इंटरफेस पे यहाँ जाएंगे, प्रोफिनेट सेलेक्ट करेंगे। देन PGPC इंटरफेस में हमें ये बताना पड़ेगा जो हमारे पास यहाँ पे ड्राइवर है वो कौन सा ड्राइवर है, इथरनेट ड्राइवर। तो हमारे पास है रियलटेक का PIC GB फैमिली कंट्रोलर, तो ये हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद स्टार्ट सर्च करना है। उससे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई किस तरीके का ये सर्चिंग करेगा, कि ये जो सेम एड्रेस है जो हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है उसको सर्च करना है, या कंपैटिबल डिवाइस सर्च करेगा, या एक्सेसिबल डिवाइस को इसको सर्च करना है। तो लेट सपोज हम कंपैटिबल सर्च करते हैं और स्टार्ट सर्च करते हैं। जैसे ही IP कॉन्फ़िगरेशन का जो हमने लिखा है 192.168.0.1, जो कि PLC का IP है, जैसे वो सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो है हमें शो करना स्टार्ट कर देगा, तभी ये लोड का जो प्रोसेस है वो आएगा। लेट सपोज मैं इसको एक बार कैंसिल करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ। अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एक्सेसिबल डिवाइस स्टार्ट सर्च, जब तक ये सर्च कर रहा है तब तक लोड ऑप्शन नहीं आएगा। जब सर्च कंप्लीट हो जाएगा तो ही वो लोड ऑप्शन हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए अवेलेबल होगा। देन उसके बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे, देन कंपाइलिंग, पहले हार्डवेयर वेरीफाई होगा, देन ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगा प्रोग्राम। देन यहाँ से एक्शन पूछ रहा है कि जो PLC है अभी हमारी रनिंग कंडीशन पे उसे स्टॉप करना है, देन ही वो लोड करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वो जो है हमें ऑप्शन नहीं देगा यहाँ पे। तो स्टॉप किया हमने, देन हम लोड कर सकते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद है स्टार्ट ऑल एंड फिनिश। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम था वो ट्रांसफ़र हो गया है। अब इसे मॉनिटर अगर हमें करना है तो यहाँ पे एक मॉनिटर ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर हमारे कॉन्फ़िगरेशन में या प्रोग्रामिंग में कुछ भी चेंजेस होंगे या फॉल्ट होगा तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये जो बॉक्सेस है ये ग्रीन नहीं रहेंगे, ये एम्बर कलर, दैट इज़ येलो कलर में हो जाएंगे, सो दैट कि ये मेंटेनेंस मोड या फिर फॉल्ट का एक इंडिकेशन है हार्डवेयर के साथ।
लेट सपोज़ कि अभी हमें इनपुट ऑन करना है और वेरीफाई करना है, तो जैसे ही हम फील्ड से इनपुट प्रेस करते हैं आउटपुट एक्टिव हो जाएगा। इस मोड पे हम कोई भी चेंजेस यहाँ नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है देन अपना मॉनिटर मोड ऑफ करेंगे और ऑफलाइन हम जाएंगे, तभी हम यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। लेट सपोज़ कि अभी हमें पैरेलल चीज़ें लेनी है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, ये है पैरेलल ब्रांचिंग, देन एक आउटपुट Q0.1। अगर हमें इनपुट के थ्रू पैरेलल ब्रांचिंग करना है तो फर्स्ट इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करेंगे, पैरेलल NO देन अप, या फिर हम इस लाइन को यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। लेट सपोज़ हम यहाँ से इसको ड्रैग करके भी काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे अप एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको दे देते हैं I0.1 एंड I0.2 एंड Q0.3। ट्रांसफ़र कंपाइल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। अब एक बार जब हमने कॉन्फ़िगर कर लिया तो बार बार कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लोड कर सकते हैं। डन मॉनिटर। फर्स्ट ऑन करेंगे, दोनों आउटपुट ऑपरेट हो गए, फर्स्ट और सेकंड अगर हम ऑपरेट करते हैं तो हमारा आउटपुट नंबर 3 भी ऑपरेट हो रहा है। लेट सपोज कि अगर हमें यहाँ पे फील्ड से ऑपरेट नहीं करना है, दूसरे तरीके से ऑपरेट करना है, देन उसके लिए हम फोर्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से हम एक नॉर्मल लॉजिक डेवलप करके उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं PLC के अंदर, और वो कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। थैंक यू।